अब सुबह के 7 बज रहे, अब मैं नहा कर आ चुकी हूँ और अब करने जा रही हूँ पूजा। आज दिन सोमवार का है, आज श्रावण मास का पहला सोमवार है, तो बेलपत्र भी चढ़ाने हैं शिवलिंग के ऊपर और पूजा भी करनी है। तो पहले पूजा कर लेती हूँ, जो नित्य पूजा है मेरी वो हो जाए, फिर बाद में जो भगवान शिव का पूजन अभिषेक करके फिर मैं बेलपत्र चढ़ाऊंगी। पीने के लिए पानी भरकर रख दिया है और एक कलसी भी ले लिए पूजा के लिए। अब एक ही बड़ा वाला लोटा भर के ले रही हूँ। अभिषेक वगैरह करने में थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही लगता है। तो सारे मंदिर में जो भगवान है वो सारे मैं थाली में निकाल लेती हूँ और इधर लाकर मैं अच्छे से उन्हें नहला देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर ना पानी नीचे फैल जाता है। तो इधर मैं लाकर अच्छे से नहलाकर भगवान को पोंछ कर फिर से मंदिर में बिठा दिया है। उनकी नित्य पूजा मैंने की है। नित्य पूजा तो हो चुकी है, अब कर लेते हैं भगवान शंकर का अभिषेक। तो यहाँ पर पीतल की मेरे पास पिंडी है, भगवान शंकर की पीतल की पिंडी है, तो मैं अभिषेक कर ले रही हूँ। तीर्थ मैंने बना कर रख लिया है, इसमें मैंने दही दूध शक्कर शहद घी तुलसी के पत्ते सब मिलाकर मैंने तीर्थ बना लिया है, उसी से अभिषेक कर ले। तीर्थ से अच्छे से धुल लिया है, अब जल डालकर भी धुल लेते हैं पिंडी को अच्छी तरह से। तो मैंने पिंडी इस तरह से धुल ली है, अब पोंछ लेते हैं। अब मैं इस पीतल की टोकरी में चौकी के ऊपर रख दिया है, इसमें मैं पिंडी रख दे रही हूँ और इस तरफ में करके रख दे रही हूँ, क्योंकि कहीं भी मंदिरों में मैं देखती हूँ इसी तरफ रहती है भगवान, जो पिंडी है उसका मुंह इधर रहता है इस साइड, तो उसी तरह से रख दिया है। अब हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे गंध, चंदन गंध लगा देंगे। और ये बेलपत्र है, 1 से 8 बेलपत्र है, मैं हर सोमवार चढ़ाती हूँ श्रावण में। पहले तो मैं बेलपत्र की अच्छे से पूजा कर लेती हूँ, गंध हल्दी कुमकुम सब लगाकर बेलपत्र की पूजा की है। और यहाँ पर धतूरे के फूल ले लिए हैं, अपराजिता के नीले फूल हैं जो भगवान शिव को पसंद है, वो सारे फूल मैंने ले लिए, शेवंत के वाइट फूल है। और ये ओम नमः शिवाय बोलते हुए मैं एक एक बेलपत्र पानी में इस तरह से डुबा डुबा कर मैं पिंडी के ऊपर रख दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 इस तरह से जाप करते ही मैं एक एक बेलपत्र पिंडी के ऊपर रखते जा रही हूँ। और मैं ऐसे ही सोमवार के दिन बेलपत्र चढ़ाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी ऐसे ही करते हैं। तो मैंने 1 से 8 बेलपत्र चढ़ा दिए हैं भगवान शिव का नाम जपते जपते। और बाद में ये जो धतूरे के फूल है और ये धतूरे के फल भी ले आया दीपक उसके साथ में, बोलता है ये भी पसंद होता है शिव को, तो ये भी चढ़ा देना मम्मी बोला, फिर मैंने रख दिया है। और अपराजिता के नीले फूल है और शेवंत के वाइट है, स्वास्तिक के है, जो जो भगवान शिव को पसंद है वो फूल तो हमें सारे नहीं मिल सकते, जो मिले हैं वही चढ़ा दे रही हूँ। तो पूजा मैंने कर ली है, अब हम चढ़ा देते हैं शिवमुठ। तो शिवमुठ में मैं चावल चढ़ा दे रही हूँ, चावल ही है इस सोमवार पे, अगले सोमवार शायद तिल है। तो अब मैं आरती कर लेती हूँ, तो मुझे भगवान गणेश की आरती आती है, तो वही आरती मैं गा लेती हूँ। आरती मेरी हो चुकी है, अब 1 घंटा बजाकर फिर मैं दर्शन कर लूंगी। तो मैंने चाय पी ली है, केले ले आए, मैं केला नहीं खाती, मुझे बिल्कुल केला पसंद नहीं। वैसे भी श्रावण के जो सोमवार के व्रत होते हैं
इन सोमवार के दिन कुछ नहीं खाया जाता है, कोई फल भी नहीं खाती मैं, बस एक टाइम खाना खा लेते बस। और आज मैं बनाने जा रही हूँ भगवान शिव को भोग लगाने के लिए रबड़ी और पूरी, तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। मैंने 1 लीटर दूध मंगवा लिया है जिसे मैंने गर्म भी नहीं किया है, वैसे फुल क्रीम दूध की मैं रबड़ी बनाऊँगी। रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध ले लिया है, इसे हम कढ़ाई में डालकर गर्म होने के लिए रख देते हैं। फुल गैस पे मैंने ये दूध रख दिया है ताकि जल्दी से गर्म हो जाए। इसमें अच्छे से उबाल आने देते हैं, तो आप देख सकते हो दूध में अच्छे से उबाल आ चुकी है। इसमें थोड़ी थोड़ी सी मलाई भी जमने लगी है, तो हम इसे इस तरह से मिलाएंगे, नीचे तले में लगने नहीं देंगे। और इधर मैं इस दूध को भी देख रही हूँ, 1-2 मिनट में चलाती रही हूँ। और इधर मैं दूसरे भी काम कर ले रही हूँ, बर्तन है, सुबह नाश्ता बनाया था, दीपक ने खा लिया है, हम दोनों का तो व्रत रहता है, उसके पापा का और मेरा, तो दीपक ही अकेला था नाश्ता करने वाला, तो उसे नाश्ता करके दे दिया है। मैंने चाय पी लिए, इन्होंने भी आकर चाय पी लिए, तो ये चाय के नाश्ता के वे बर्तन थे, तो ये सारे मैंने साथ ही साथ मांग लिए, क्योंकि किचन में ना साथ ही साथ काम करने होते हैं, अगर एक ही तरफ देखते रहेंगे ना तो दूसरे काम रह जाएंगे। तो इधर मैं दूध को भी देख रही हूँ, उधर मेरे बर्तन भी हो रहे हैं, और इधर जैसे ही मलई आ रही है दूध के ऊपर, तो वो सारी मैं किनारों में इस तरह से चढ़ाते जा रही हूँ। तो बर्तन मेरे हो चुके हैं, ये सारा पानी मैं उधर सिंक में डाल देती हूँ, और एक किचन अच्छे से पोंछ लेती हूँ ताकि जल्दी से सूख जाए। और गैस मैंने धीमी कर दी है, नहीं तो दूध उबल जाता। फुल गैस की अब ज़रूरत नहीं है, धीमी गैस पर ही अच्छे से बन जाएगी रबड़ी। तो इस तरह से दूध में किनारे में जो मलई है, एक किनारे में जैसे ही मलई आ रही है मैं तुरंत उसे किनारे कर दे रही हूँ, इस तरह से किनारे में मैं इसे चढ़ा दे रही हूँ। इससे अच्छा सा टेस्ट आएगा रबड़ी में, ये जो मलई है ना बहुत अच्छे से सेट हो जाती है, इस तरह से इसमें बहुत अच्छा क्रीमी टेस्ट आ जाता है। और इसे इस दूध में इस रबड़ी में हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने वाला है, धीमी गैस पर मैं बना रही हूँ। तो इधर मैं साथ ही साथ आटा भी गूंद लिया है, मैंने साथ ही साथ काम करते जा रही हूँ ताकि मेरे काम जल्दी से हो जाए और गर्मा गर्म खाना भी मिले सबको। तो दूध 1 लीटर ले लिया था मैंने, तो ये गाढ़ा होकर 1/2 लीटर ही रह गया है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हो, एकदम गाढ़ा ये दूध बन चुका है, और इसमें ना थोड़ा सा कलर भी अलग आया है। धीमी गैस पर हम पका रहे हैं ना, तो कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है दूध का। मैंने इसमें 1/2 कटोरी चीनी मिला दी है, ज़्यादा मीठा या अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपने मीठे के हिसाब से चीनी डाल सकते हो। मैंने बिल्कुल थोड़ी सी 4 चम्मच चीनी होगी उतनी डाल दी है, और बाद में डाला है 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। अभी किनारों में जो मलाई जमी है सारी हम इस तरह से खुरेद के निकालेंगे और इस दूध में डालेंगे। तो सारी मलाई मैं इस तरह से खुरेद खुरेद के निकाल दे रही हूँ। बहुत टेस्टी है रबड़ी लगती है और सबको पसंद आएगी। तो रबड़ी बनकर रेडी है, आप इसके साथ पूरी बना सकते हो, चपाती बना सकते हो। मैं तो चपाती बना रही हूँ, पहले तो मैंने पूरी बनाने का सोचा था, फिर बाद में ये नहीं खाएंगे, उनको पसंद नहीं है ज़्यादा, पूरी ऑयल वाला खाना नहीं खाते हैं, तो मैंने सोचा बाद में चपाती बना लूँ, तो मैंने इस तरह से इसमें निकाला है। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, मैंने कुछ नहीं डाला, ऐसे ही रख दिया है। आप इसमें पिस्ते बादाम डाल सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हम इसे साइड में ढककर रख दिया है, और इधर मैं फटाफट से अब चपाती भी बना लेती हूँ। आटा भी अच्छे से 15 मिनट सेट हो चुका है, पहले तो मैं नैवेद्य बना लूँगी, पहले भगवान को भोग लगेगा। यहाँ पर बाहर बच्चे खेल रहे, बहुत चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। पहले तो मैंने नैवेद्य बना लिया है, यहाँ पर गाय आई होगी तो गाय को भी दे दूंगी साथ ही साथ, और ये बड़ी चपाती मैं बना ले रही हूँ। इस तरह से ऑयल लगा लेती हूँ मैं अंदर, इस त्रिकोण आकार दे देती हूँ, फिर बाद में इसे एकदम गोल शेप में मैं इसे बेल लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारी चपाती बना लेती हूँ, तो एकदम फूली फूली सी चपाती बन रही है ना ये सारा। जब हम आटा अच्छे से सेट हो जाएगा, फिर
फिर अंदर से ऑयल लगा लगा कर हम त्रिकोण आकार देते हैं ना, तो इसी वजह से चपाती हमारी अच्छे से फूली फूली सी बन जाती है, एकदम नरम खाने में। तो ये देखिए रबड़ी और ये चपाती का निवेद्य मैंने ले लिया है। पहले मैं भगवान को भोग लगा देती हूँ। तो भगवान शिव को पहले भोग लगाया है, अब आरती करके हम दर्शन ले लेंगे। तो यहाँ पर मंदिर में भी मैं नैवेद्य रख दे रही हूँ। अब दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो भगवान को भोग लग गया है, अब हम भी खा लेते हैं खाना। अब ये नहीं आई, इन्हें फ़ोन किया था, मगर रबड़ी देखकर दीपक को सब्र नहीं हो रहा है। पहले उसके लिए मैं रबड़ी और चपाती दे देती हूँ, क्योंकि वो वैसे ही कटोरे में लेकर खाने लगा है। रबड़ी बहुत टेस्टी बनी है, मम्मी बोल रहा था, तो उसे दे दिया है। अभी ये नहीं आए, ये आने के बाद हम भी लेते हैं। हमारा खाना पीना हो चुका है, रबड़ी इतनी टेस्टी बनी थी ना, खा के एकदम मन तृप्त हो गया आज, और अच्छे पेट भर के खाना खा चुकी हूँ, तो बहुत नींद आ रही है। तो मैं आ चुकी हूँ बेड पर आराम करने के लिए। जब पेट भर के खाना हो जाता है ना, तो नींद भी बहुत अच्छे से आती है। अब इसी के साथ वीडियो को यहीं पर कर देते हुए एंड, और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी न्यू वीडियोज़ न्यू ब्लॉग्स आपको डेली डेली मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।